नमस्कार, मैं मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 2021 का ये क्लास का न्यू क्लास का पहला वीडियो है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो 2021 का ये पहला क्लास है दोस्तों। तो आप घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं दोस्तों। तो मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, ये पहला वीडियो से आप शुरू कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों कि आप घर बैठे कंप्यूटर सीख जाएंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ मैं आपको सिखलाऊंगा, तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये सबसे पहले दोस्तों मैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, गौरव कंप्यूटर सेंटर, ये मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी से आपको सीखना है दोस्तों। तो कैसे मैं पूरा इसका प्रैक्टिकली करके आपको मैं दिखलाऊंगा। और ये मेरा ईमेल आईडी है दोस्तों, और ये मेरा वेबसाइट है, इस सारी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर है, और जो हम कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है ADC। ADC में सारा चीज़ सब कोर्स आने वाला है, जो मैं इस कोर्स में ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, इतना चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो मैं क्या क्या चीज़ पढ़ाऊंगा यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये ADC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट में मैं पढ़ाऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकंड में विंडोज 7, विंडोज 7 और विंडोज 10, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं विंडोज 7 से करूंगा, लास्ट में आपको विंडोज 10 पर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विंडोज 10 ही मैं रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा पेंट, उसके बाद नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टैली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोल ड्रा, इंटरनेट और HTML और मल्टीमीडिया या प्रिंटिंग वर्क, इतना सारे कोर्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा चीज़ का वीडियो मैं पहले से अपने चैनल पर लोड कर दिया हूँ, लेकिन अगर कोई शुरू से आप देखना चाहते हैं, शुरू से आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट वीडियो से आप देखिए और अपने घर पर प्रैक्टिस करते जाइए। और आपको कहीं इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आप सीख सकते हैं। और अगर आपको सेफ्टेक की भी जरूरत पड़ती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सेफ्टेक भी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, जैसे आपको कोई भी आप स्कूल में जैसे फर्स्ट डे स्कूल में जाते हो, कोई बच्चे आप हैं, तो आपको शुरू से ही बताया जाता है। जैसे शुरू से मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको बताया जाएगा कि पहाड़ा गिनती लिखिए, जैसे 1 2 3 4 पहाड़ा लिखिए, उसके बाद क ख ABCD। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी इसी प्रकार से होता है, कंप्यूटर में भी ABCD होता है, कंप्यूटर में भी पहाड़ा होता है, 1 2 3 गिनती करने के लिए होता है, कंप्यूटर में भी क ख होता है। उसको से हम सबसे 0 लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इस साइड पर कैसे आइएगा, यानी कि ये साइड पर कैसे आइएगा। तो आपको खोलना है दोस्तों क्रोम, क्रोम खोलना है और आपको यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब सबसे पहले यूट्यूब खोल लेना, आप यूट्यूब में आ जाइए दोस्तों, और यहाँ पर सर्च में कर लीजिए गौरव कंप्यूटर ज्ञान। जैसे सर्च पर क्लिक कीजिएगा, ऐसा आपको चित्र दिखाई देगा गोल टाइप, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको साइट खुल के आ जाता है, और यहाँ पर आपको वीडियो पर क्लिक करना है, तो सारा वीडियो आप आ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इस ये क्या है, लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। आपको जाना है प्ले लिस्ट में जाना है। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर पढ़ना है आपको न्यू क्लास 2021, ऐसे करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और उसी पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसका सारे वीडियो आपको खुल जाएगा, मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं, ये मेरा एक ईमेल आईडी है, इस पर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और ये मेरा वेबसाइट है। तो वेबसाइट पर कैसे आइएगा, जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे शो करेगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको शो करेगा यहाँ पर मेरा यूट्यूब ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ पर वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पर आ जाइएगा, और नहीं तो आपको गूगल में जैसे ही खुल रहा है, मेरे वेबसाइट खुल रहा है, डायरेक्ट आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पर आपको आ सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए मेरा ये वेबसाइट है, इस पर आ जाए, नहीं तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला पर टाइप कर दीजिए, और नहीं तो ये जो है ना, ये आपको गूगल में टाइप कीजिएगा तो डायरेक्ट, ये जो गूगल में टाइप कीजिएगा तो डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पर आ जाइएगा।
ये मेरा वेबसाइट है, इसमें आप लेटेस्ट न्यूज आप देख सकते हैं मैं क्या क्या चीज करता हूँ। ऑफलाइन भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसके लिए भी फीस, सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे सस्ता फी में पढ़ाता हूँ, सबसे सस्ता, इतना सबसे सस्ता मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इधर लोकल आप मुझे जानते होंगे तो आप मुझे, और नहीं तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑफलाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आप घर पर बैठ के ही पढ़िए और एक कंप्यूटर रखिए और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा वेबसाइट है दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और अब मैं ये सारी चीज़ को मैं हैंडल करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पहाड़, यानी कि गिनती, गिनती करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो कैसे आप उसको खोलना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पहाड़ा गिनती करेंगे, जैसे एक एक दूध होता है ना, उसी तरह से हम लोग गिनती करेंगे। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, आप इजीली सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहाड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, इस पर आपको विंडो 10 है, इस पर क्लिक करना है और इसमें आपको खोजना है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसमें आपको खोजना है, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमको खोजना है एक्सल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई, जैसे ही लिखेंगे ई ना तो यहाँ पे एक्सल आपको आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करके भी इसे खोल सकते हैं, और यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पर आपको क्लिक कर सकते हैं, छोटा आ रहा है या इसे बड़ा क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्लिक करने का मतलब क्या होता है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे क्लिक मतलब क्या होता है, हमेशा लेफ्ट क्लिक आपको हम बोल रहे हैं, राइट क्लिक इपटी वाला, बीच वाला स्क्रॉलिंग होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे करके क्लिक करके खुल गया, ठीक है ना। और इस तरह से आप एक्सेल का खोल, किसी तरह से आप एक्सेल आपको लिख लेना है। यहाँ पर आप जैसे एक्सेल लिखिएगा ना, पूरा यहाँ पर देखिए इस सर्च बार इसको है ना, एक्सेल आपको लिखना है, इसी तरह से एक्सेल ऐसे लिखिएगा, वो आपको शो कर देगा, ठीक है। किसी तरह से आपको एक्सेल खोल लेना है, और जैसे आपको एक्सेल खुल जाता है, ठीक है दोस्तों, तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मैं पहाड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सेल है, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको लिखना क्या है, हम गिनती पहाड़ा, यानी कि हमको एक एक दो दो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक दो दो कैसे आपको लिखें। यहाँ से आप मैं जूम कर दे रहा हूँ, सबसे पहले एक एक कैसे लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने वन लिखा और नीचे, और इस पर क्लिक कर दिया, टू लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लेफ्ट को होल्ड करते हुए, लेफ्ट को मतलब होल्ड मतलब प्रेस करते हुए, ऐसे दोनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए प्लस के बीच में वाइट का निशान है, और यहाँ जब मैं कॉर्नर पे मैं रखता हूँ तो प्लस के बीच में ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक जब हो जाए तो उसको होल्ड करते हुए आपको नीचे में खींचना है, और आपको जितना पहला लिखना है वहाँ पर आपको शो कर रहा है कि मैं 8 तक खींच दिए हैं, 9 10 तक खींच दिए हैं। तो देखिए ये 10 तक पहाड़ा, ये आपको क्या, 10 तक हम लोग खींचे तो 10 का पहाड़ा यहाँ पर आपको क्या क्या किया, ये आपको लिख दिया, ठीक है। उसी पर इसको 10 तक नहीं लिखेगा, और आप नीचे में खींचना चाहते हैं तो, और नीचे में आपको जितना तक पहाड़ा आपको लिखना चाहते हैं उतना तक पहाड़ा आप लिख सकते हैं। इसका कुछ नहीं कि पहाड़ा आपको काउंट कर सकते हैं, गिनती की भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कहेगा कि 20 का पहाड़ा लिखना है तो 20 लिखिए, और 20 में 40 लिखिए, उसी प्रकार इसको सिलेक्ट कीजिए, दोनों को प्रेस करते हुए नीचे में खींचिए, ठीक है। और जब जो प्लस का निशान जो ब्लैक हो आ जाता है उस पर क्या कीजिए, ऐसे होल्ड कर लीजिए, होल्ड में प्रेस करके नीचे में ड्रैग कीजिए यानी खींचिए, तो आपका 20 का भी पहाड़ा आपको लिख देगा। इसी तरह से 20 का 30 का कितना भी पहाड़ा आप इसको लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से पहाड़ा लिख सकते हैं। कंप्यूटर में पहाड़ा लिखना बहुत ईजी है, केवल दो को लिखना है, यानी कि 10 2 20, उस पर सिलेक्ट कीजिए, उसको खींचिए। तो दोस्तों मैंने पहाड़ा आपको लिखने के लिए बता दिया, अब मैं पहाड़ा आप इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। जैसे आपको जरूरत है कि एक के बाद में दो ना लिखूं, तीन लिखूं, और तीन के बाद वो चार नहीं होना चाहिए, वो पांच आना चाहिए। तो इस तरह से अभी आप लिख सकते हैं, जैसे एक के बाद दो नहीं लिखे, डायरेक्ट मैं तीन लिखूँ, आप चाहते हैं कि तीन के बाद चार नहीं आए पाँच आए, तो इसी तरह से आपको लिखना है, और इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कीजिएगा, तो उस तरह से आपको ये लिख आपको लिख देगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे संडे मंडे, ठीक है, संडे मंडे भी आपको लिखना होगा, तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चलिए मैं लिख रहा हूँ संडे
संडे, मैंने संडे मंडे लिखा और इसको सिलेक्ट किया और इसी तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए आपको संडे मंडे लिख गया। ये आपको कोई जरूरत नहीं कि संडे से ही आप कीजिए शुरू, आप मंडे से भी शुरू कर सकते हैं, आप फ्राइडे से सैटरडे से भी कर सकते हैं शुरू, जहाँ से भी करके ड्रैग कीजिएगा वो आपको लिखेगा। उसके बाद हम उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अब हमको लिखना है क्या, जनवरी, जनवरी लिखे यहाँ पर, अब फरवरी, जनवरी फरवरी लिखे, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से ड्रैग किए और यहाँ से देखिए आपको लिखना चालू होगा। और जितना खींचेगा उतना, जैसे आपको दिसंबर के बाद फिर आपको जनवरी आपको ये शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। आज मैंने आपको बताया कि कैसे पहाड़ लिखा जाता है, कैसे संडे मंडे लिखा जाता है और कैसे आप जनवरी फरवरी लिखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं और कुछ बताने वाला हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।